हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेचालीस चेस्ट का कटोरी ब्लाउज़ की हम कटिंग देखने वाले हैं। तो चेस्ट है 42 इंच यानी कि 42 इंच, उसका 1/4 लेंगे हम 10.5 इंच, कमर है 35 इंच, लंबाई है 14.5 इंच, बाजू की लेंथ है 7 इंच और चौड़ाई में 13 इंच, गला फ्रंट साइड 6 इंच और बैक साइड 9 इंच। तो अब इसकी कटिंग देखते हैं। पहले हमने ये पेपर लिया है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके लिया है। अब यहाँ पे हम पहले ब्लाउज़ की हम लंबाई नापते हैं। तो लंबाई है 14.5 इंच, हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे यानी कि 15.5 इंच हम इसकी लंबाई लेते हैं। 15.5 इंच हमने लंबाई ली है। चेस्ट है 42 इंच, उसका 1/4 लेंगे हम 10.5 इंच। 10.5 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच इसमें प्लस करते हैं सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो पेपर हम कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको हम कट करते हैं। साइड का जो पेपर था हमने इसको कट किया है। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच पे गले का मार्किंग करेंगे, 5.5 इंच पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे और चेस्ट का 1/4 है हमारा 10.5 इंच और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। हमने लंबाई ली है, लंबाई में हमने 1 इंच प्लस किया है। अब गला, गले की लेंथ है 6 इंच, गला लेंगे हम 6 इंच पे। अब इसका हम पहले बॉक्स बनाते हैं। इस तरह से हमने ये बॉक्स बनाया है और यहाँ पे आर्मोल लेंगे हम 6.5 इंच। यहाँ से हमने 5.5 इंच लिया था, इसका भी हम बॉक्स बनाएंगे। आर्मोल की गोलाई देंगे हम फ्रंट साइड की 1.5 इंच पे और बैक साइड की 2 इंच पे। इस तरह से हम आर्मोल की गोलाई देते हैं। गले को भी हम इस तरह से राउंड शेप देते हैं। यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है और यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच लेना है। ये क्रॉस पट्टी नहीं है, ये कटोरी ब्लाउज, कटोरी निकालने के लिए हम 2.5 इंच लेते हैं। और क्रॉस पट्टी जो है, योग पट्टी भी बोलते हैं, तो वो हम अलग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 6.25 इंच लेंगे। ये फ्रंट साइड की जो गोलाई है यहाँ से हम 2.5 इंच लेते हैं और इसके ऊपर हम 1 इंच लेंगे। गले के ऊपर हम 1 इंच लेते हैं। ये तीनों जो पॉइंट है इसको हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन किया है। अब इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम इसको सेंटर से कट करेंगे। ये हो गई हमारी बैक साइड और ये फ्रंट साइड।
इस तरह से हमने ये फ्रंट साइड की कटिंग की है। तो ये जो कटोरी है इसको हमें दूसरे पेपर पर बढ़ाना पड़ता है। जैसे ये दूसरा पेपर हमने लिया है, यहाँ पे हम नीचे के साइड से हम 1.5 इंच लेते हैं, 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन लगाते हैं, इस लाइन का कुछ मेजरमेंट नहीं है, ये कटोरी का ये रखने के लिए, जैसे सीधी साइड में यहाँ रखने के लिए हमने ये लाइन खींची है। अब यहाँ पे हम जैसा है वैसा ही पहले हम ये निकालते हैं। इसका पहले हमें सेंटर निकालना है, इसका पहले हमने सेंटर निकाला है। 1.5 इंच पे हमने एक सीधी लाइन लगानी है। अब 1.5 इंच पे यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे 1.5 इंच लेना है और यहाँ पे 1.5 इंच लेना है। जैसे ये कटोरी का हाफ निकलता है, ये 1.5 इंच के आगे हमें लेना है, इस तरह से। और जितना आपका सिलाई में जाता है उतना आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया है ये टक्स पॉइंट के लिए, और ये जो हाफ निकलता है उतना ये नाप के इसके आगे ही उतना ही नाप लेना है। और जैसे 3 इंच, 3 और 1 सूत एक्स्ट्रा आया है, तो यहाँ पे जितना आपका सिलाई में जाता है उतना आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये हमारा ये टक्स पॉइंट आता है। जैसे यहाँ पे हमने 2.5 इंच लेना है ऊपर के साइड से, ये हमारा टक्स है, इस तरह से आता है। ये टक्स, और यहाँ पे जो है सेंटर से हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे भी हमें सिलाई में थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लेके फिर इसको राउंड शेप देना है। इस तरह से ये कटोरी आती है। अब इसकी पहले हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें 1/2 इंच का राउंड शेप देना है। इस तरह से हमारे ये कटोरी का शेप आता है। अब स्लीव्स की कटिंग देखते हैं। अभी स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो हमने ये डबल पेपर किया है, डबल पेपर इस तरह से लेके, फिर यहाँ पे हमें अभी क्रॉस में नापना है इसको, जो है इसको हम क्रॉस में नापेंगे। जैसे 9 इंच आता है, आर्मोल जो है इसका हमने क्रॉस में नापा है, तो ये 9 इंच आता है। तो ये 9 इंच जो है ये बाजू की चौड़ाई निकलती है, तो ये 9 इंच हमने लिया है। जितनी आपकी लेंथ होगी, जैसे 5 इंच हमारे बाजू की लेंथ है, तो आप यहाँ में यहाँ 1.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 6.5 इंच आपको लेना है। तो यहाँ पे जैसे बंद बाजू अपनी तरफ रखी है और ये जो है ये खुली बाजू है, यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे। 3 इंच लेके यहाँ पे हम 1 इंच का सीधा लेते हैं और यहाँ पे हम 1 इंच सीधा लेते हैं। अब इसको हम शेप देंगे। इस तरह से हम बाजू को शेप देते हैं।
जैसे बॉटम है 13 इंच, तो उसका हाफ करेंगे 6.5 इंच, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे 8 इंच। इसको हम इस तरह से तिरछा कर देते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है। अब क्रॉस पट्टी की कटिंग करते हैं। यहाँ पे हम क्रॉस पट्टी के हम चौड़ाई लेते हैं, यानी कि 11.5 इंच हमने चौड़ाई ली है। यहाँ पे हम 4 इंच लेंगे और यहाँ पे हम 3 इंच लेते हैं। इस तरह से हम इसको क्रॉस पट्टी का इसको शेप देते हैं। इस तरह से हमने ये क्रॉस पट्टी का शेप दिया है। तो ये हमने जैसे ये बैक साइड, ये कटोरी, ये क्रॉस पट्टी और ये स्लीव्स, तो हमने ये 42 चेस्ट के कटोरी ब्लाउज की हमने ये कटिंग की है।